हेलो फ्रेंड्स, सो टुडेज़ रेसिपी इज़ केक रस। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी रस है जो हम सब पसंद करते हैं, ब्रिटानिया में भी आते हैं और टी टाइम के लिए बेस्ट ऑप्शन है। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। मैंने 2 टेबलस्पून घी लिया है, उसके बाद 1/2 कप शुगर ऐड किया जो कि पाउडर्ड शुगर है, 3-4 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के ऐड किए हैं और इसको अच्छे से विस्क कर लेंगे टिल द। सो दिस इज़ दी परफेक्ट कंसिस्टेंसी जो हमें चाहिए केक रस के लिए। अब मैं इसको ऑल पर्पज फ्लोर को स्टीव कर लूँगी। ये करना ज़रूरी है बिकॉज इससे अच्छा बैटर प्रिपेयर होता है। सो पहले केक रस के लिए हमें केक बनाना होता है, उसके बाद उसे कट करके क्रिस्पी करना होता है। तो आप मेरे साथ ट्यून इन रहिए ताकि आप देख सकें कैसे हम केक रस प्रिपेयर करेंगे। 1 स्पून मैंने बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा आप ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड नहीं किया है, उसके बगैर भी अच्छे बन जाते हैं। अगर आप एग खाते हो तो आप 3 एग्स इसमें बीट करके ऐड कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छे केक रस बनते हैं। बट मैंने एग ऐड नहीं किया है बिकॉज इन माई हाउस माई मदर इन लॉ डोंट ईट एग्स, और एगलेस ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है ताकि वो सारे लोग खा सकें। सो इसके अंदर मैंने लिटिल मिल्क ऐड कर लिया बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा स्टिफ बैटर नहीं चाहिए, थोड़ा सा केक जैसे ही बैटर चाहिए, इसलिए मैंने इसके अंदर मिल्क ऐड कर लिया है और एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी केक की मिल गई है मुझे। थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ऐड कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ अ स्वीट रस, बट मैंने बहुत ज़्यादा शुगर नहीं किया। अगर आप शुगर ज़्यादा लेते हैं तो आप उस अकॉर्डिंग इसके अंदर शुगर थोड़ी और ऐड कर सकते हैं, 2 टेबल स्पून और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। उसके बाद मैंने इसे ब्रेड टिन के अंदर चेंज कर दिया है और अब इसको हल्का सा टैप करके बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे। मैंने अपने ओवन को ऑलरेडी 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट कर लिया है और अब मैं इसको 35 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। उसके बाद इसे एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए कूल डाउन होने दीजिए, उससे पहले केक रस जो है वो कट मत कीजिएगा, अदरवाइज़ वो फिर ब्रेक होता है। सो आप चाहो तो फ्रिज में भी इसको कूल डाउन करने के लिए रख सकते हो। इट्स रेडी एज यू कैन सी। अगर आपको ज़्यादा केक रस बनाना है तो आप 1 कप की जगह 2 कप मैदा ऐड कर सकते हो, सो उससे ये क्वांटिटी आपकी ज़्यादा हो जाएगी। सो अब मैं इसका बटर पेपर रिमूव कर रही हूँ, सो आप देख सकते हो नीचे से भी इसका कितना अच्छा, जो हम परफेक्ट जाली बोलते हैं केक की, वो आई हुई है। सो अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं कूल डाउन करने के लिए रख दूँगी और ये बहुत अच्छे से कूल हो चुका है। अब मैं इसको कट रस की शेप में और फिर उसके बाद इसे, आप चाहो तो पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से भी इसे कट कर सकते हो, और उसके बाद आप देखो कितनी प्यारी शेप आ गई है पूरे रस जैसी। अब इसको हम क्रिस्पी होने तक 15 मिनट्स के लिए रखेंगे, हम दोनों साइड से हमें 15-15 मिनट्स के लिए से क्रिस्पी होने के लिए रखना है 180 डिग्री सेल्सियस पे। सो एज यू कैन सी रस बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, 15 मिनट्स से हमने बोथ साइड से क्रिस्पी कर लिया है। प्लीज़ एंजॉय दीज केक रस विद योर टी एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माई YouTube videos and subscribe to my channel and